मुझको तेरी जरूरत है। हे पावनात मां, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावनात मां, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावनात मां, प्यास बुझाने तू आ जा। हे पावनात मां, मैं तो प्यासी हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आ जा। हे पावनात मां, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावनात मां, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावनात मां, जोड़ने को तू आ जा। हे पावनात मां, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावनात मां, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावनात चंगा करने तू आ जा। हे पावनात मां, मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आ जा। हे पावनात मां, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावनात मां, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावनात मां, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है।
कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। मेरे पिता प्रेमी पिता, मेरे पिता प्रेमी पिता, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बचाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बचाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बुलाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बुलाया है। मेरे प्रभु मेरे मसीह, मेरे प्रभु मेरे मसीह, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे सजाया है, तूने मुझे सजाया है। दिलाए सुना शांति, दिलाए सुना मुक्ति, दिलाए सुना शांति, दिलाए सुना। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आइए हम बड़े भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन पर के पास जाएं। हम सभी प्रभु को धन्यवाद दें आज के सुंदर अवसर के लिए प्रभु ने जो हमें प्रदान किया है, और ये करुणा माला विनती बड़ी शक्तिशाली प्रार्थना है। हम महसूस करते हैं कि इस करुणा माला विनती के द्वारा बहुतों का उद्धार और मुक्ति हुआ है।
आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें भी विशेष रूप से तेरी करुणा पर भरोसा रखने की कृपा की दीजिए, ताकि हम हर क्षण हर पल तेरी करुणा पर भरोसा रखते हुए अपना जीवन बिता सकें। तेरे दुखों के द्वारा हमें मुक्ति मिली है, उस मुक्ति पर विश्वास करते हुए कि आप हमारे मुक्तिदाता हैं, भरोसा करते हुए जब हम इस करुणामाला विनती को आज बोलेंगे तो हृदय में एक प्रकार का विश्वास जगाइए। यदि आपको आज तक विश्वास नहीं हुआ है, यदि आपकी तमन्नाएं पूरी नहीं हुई है, तो आज की करुणामाला विनती में बड़े विश्वास के साथ भाग लेंगे और आपकी हर उम्मीद हर तमन्ना प्रभु पूरा करेगा। विश्वास के साथ मेरे पीछे दोहराएं, हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपने प्राण त्याग दिए, तेरे क्रूस स्मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा। हे जीवन के स्रोत अथा ईश्वरीय दया सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले। हे रक्त और जल हम तुझ पर भरोसा रखते हैं हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तु स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुमारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गड़ा गया, लिम्बस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कलीसिया धर्मियों के संबंध पापों की क्षमा देने का पुनरुत्थान और अंतिम पर विश्वास करती हूँ। आमीन। प्रभु यीशु तेरे हम जन्मोत्सव के निकट आ गए हैं, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे हृदयों में जन्म लेगा, जिन परिवारों में शांति नहीं है वहाँ तू शांति के साथ जन्म लेगा, जो परिवारों में प्रभु यीशु मनमुटाव चल रहा है वहाँ मेल मिलाप की भावना पैदा करेगा, प्रभु जहाँ पर विश्वास खो गया है वहाँ पर विश्वास का बीज बोएगा। तेरे जन्मोत्सव के इस पैगाम को प्रभु यीशु हर एक इंसान सुन पाए, हर एक इंसान पहचान पाए, ज्योतिषों ने वो तारे को पहचाना और वो उसके पीछे पीछे चलते गए और उस मुक्तिदाता को उन्होंने पा लिया। आज भी हम विश्वास करते हैं तू हमारे हृदयों में प्रभु जन्म लेना, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे हृदय के हर प्रकार के दुष्टता को, घृणा को, निराशा को निकालेगा और हमारे हृदयों में जन्म लेगा। इसके लिए हम तेरी दया और करुणा की भीख मांगते हुए हम एक साथ कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा को तुझे चढ़ाते हैं,
उनके दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु, इस वक्त हम अपने देश को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के नेताओं के लिए, राजाओं के लिए, सभी शासकों के लिए, साथ ही साथ हम धार्मिक नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम में से हर एक जन को विशेष रूप से ज्ञान, विवेक और प्रज्ञा से भर दीजिए। जो सुलेमान को तूने दिया था, उस प्रज्ञा के साथ हमारी जनता की सेवा करने के लिए हमें तू विशेष रूप से प्रभु इन सभी नेताओं को, राजाओं को आशीष दीजिए, ज्ञान दीजिए, विवेक दीजिए, ताकि वे अपनी प्रजा के हित के लिए कार्य कर सकें, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। हर देश के नेताओं के हृदय में, अपनी जनता के दिल में विशेष रूप से एक जगह होनी चाहिए। ऐसी हम प्रार्थना करते हुए तेरी करुणा की भीख मांगते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और श्वेता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखभोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखभोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखभोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखभोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखभोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखभोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु, तेरी भी एक वंशावली थी, तू वंशावली से आया था। आज हम अपनी वंशावली को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु, जिसके द्वारा हमारे परिवारों में शाप अभिशाप आए हैं, बंधन पर बंधन आ चुके हैं, हमारी अपनी वंशावली को, साथ ही साथ हमारे सभी पूर्वजों के पापों की क्षमा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमें प्रभु क्षमा कीजिए, हमारे पूर्वजों के पापों को क्षमा कीजिए, उनके द्वारा आए हुए पापों के लिए हम पश्चाताप करते हैं। प्रभु, हमारी इस पीढ़ी पर पाप ना पड़ने दे, एक एक व्यक्ति को शुद्ध और पवित्र कीजिए। वंशावली सारी प्रभु तेरी है, तेरी पीढ़ी इस तेरे द्वारा इस बनाई हुई पीढ़ी पर प्रभु यीशु दया कीजिए। जब तू दया करेगा तो प्रभु दूसरा कोई शैतान या दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकेगा। आपकी दया पर, करुणा पर भरोसा रखते हुए हम विश्वास के साथ अपनी वंशावली को
अपनी पीढ़ियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए तेरी करुणा की भीख मांगते हुए हम एक साथ कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और श्वेता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु ख्रिस्तीय समुदाय विशेष रूप से बाहरी रूप से विभिन्न प्रकार की तैयारियां कर रहा है। हम जानते हैं कई बार हम बाहरी तैयारियों से ज़्यादा हम लिप्त हो जाते हैं और आंतरिक तैयारी करना भूल जाते हैं। प्रभु आज आपसे प्रार्थना करते हैं, बाहरी तैयारियों के साथ साथ हम अपने अंतरतम की भी तैयारी कर सकें, हम अपने हृदय को भी एक गौशाला बना सकें जहाँ तू हमारे हृदयों में जन्म लेने वाला है। ये हृदय प्रभु कटुता से भरा हुआ है, ईर्ष्या जलन मतभेद से भरा हुआ है। हम पर दया कीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमें एक अच्छी चरणी बना के प्रभु तेरा स्वागत करने के लिए कृपा दीजिए। इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और श्वेता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु, तेरे जन्मोत्सव के अवसर पर हम उन सभी दंपतियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं जो निसंतान हैं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तू इस क्रिसमस में विशेष रूप से उन्हें एक आशीर्वाद देगा। वे प्रभु विलाप करते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, दूसरों के द्वारा ताने सुनते हैं। कई बार प्रभु यीशु उनको प्रताड़ित किया जाता है,
कई बार पति पत्नी को छोड़कर चला जाता है, ऐसी ऐसी प्रभु यीशु परिस्थितियाँ हैं। बहुत सारे भाई बहन विशेष रूप से प्रभु तुझसे आग्रह करते करते थक गए हैं। आज प्रभु हम उनकी दुहाई तेरे कानों तक पहुँचने पाए। तू संकट में पुकारने वालों की आवाज़ को सुनता है। इस वक्त प्रभु इन सारी बहनों के गर्भ को जो सूख चुका है, जिसमें कोई आशा नहीं है, आज प्रभु यीशु इन बहनों को आशीर्वाद दीजिए, इनकी कोख को भर दीजिए, इनके गर्भ को शुद्ध और पवित्र कीजिए, अपने पवित्र लहू को छिड़क कर प्रभु यीशु इन्हें शुद्ध और पवित्र कीजिए। इनके सारे पापों के लिए क्षमा मांगते हुए हम तेरी करुणा मांगते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और श्वेता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, प्रभु यीशु के दर्दनाक दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए बड़े विश्वास के साथ हम विशेष रूप से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए एक साथ बोलेंगे। हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, करुणा कर, हम और हमारे माँ बाप, हम और हमारे माँ बाप, भाई बहने, भाई बहने, हमारे अधिकारियों, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा, और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, जो भी पाप अधर्म और अपराध हुए हैं, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दे, उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से, अपने पावन लहू से हमें हमारे परिवारों, हमें हमारे परिवार और हमारे सब वस्तुओं का, और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर, अभिषेक कर, आप हमें अपना बनाकर, आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा, आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें, संचालित करें। आमीन, आमीन। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए हम प्रभु यीशु के पवित्र रक्त द्वारा चंगाई के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, तूने संसार से, तूने संसार से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसके लिए, कि उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले, अनंत जीवन मिले तेरे पुत्र के बलिदान द्वारा, तेरे पुत्र के बलिदान द्वारा हमारी मुक्ति होती है, हमारी मुक्ति होती है, तेरे पुत्र का पवित्र रक्त, तेरे पुत्र का पवित्र रक्त हमारे पापों को मिटाता है, हमारे पापों को मिटाता है, हमें शुद्ध करता है, हमें शुद्ध करता है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं, उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं, बल्कि अपना रक्त लेकर, बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए, सदा के लिए एक ही बार, एक ही बार परम पावन स्थान में, परम पावन स्थान में
प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उधार प्राप्त किया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके शरीर से बहे एक एक बूंद पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगा कर यीशु के सिर से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले यीशु के घुटनों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले
यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। हे परम पवित्र प्रभु यीशु, हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं इस प्रार्थना सभा में बैठे हुए हर एक भाई बहन के लिए। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना सभा में बैठे हुए हैं, आशा के साथ, उम्मीद के साथ प्रभु उनके परेशानियों को उनको तेरे चरण में लाते हैं। उनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबको तेरे चरण में लाते हैं। प्रभु तू उनके जीवन में कार्य कर, उनके विश्वास को मजबूत कर। उन सारे भाई बहनों को भी याद करते हैं जो निसंतान हैं, संतान सुख के लिए तरस रहे हैं, परेशान हैं, घबरा जाते हैं, रोते हैं। उन सारे भाई बहनों को भी तेरे चरण में लाते हैं। साथ ही साथ उन सारे भाई बहनों को याद करते हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारी से परेशान हैं, डरते हैं, ना जाने कितने सारे पैसे खत्म हो गए हैं, परिवार वाले परेशान हैं, नाराज हैं, और ऐसा लगता है जितने भी रोगी हैं मरना नहीं चाहते हैं, डर गए हैं, घबरा गए हैं। प्रभु सबको तेरे चरण में लाते हैं। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु, तेरे लिए सब कुछ संभव है। तू ही एक ही मात्र ईश्वर है जो असंभव को संभव बनाने वाला ईश्वर है। प्रभु हम विश्वास करते हैं तू सबके जीवन में कार्य करेगा, तू उनके परिवार में कार्य करेगा, तू उनके शरीर में कार्य करेगा। इसी विश्वास के साथ हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हम प्रार्थना करें। हे पिता, तूने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें तेरे प्रिय पुत्र द्वारा मिला है जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। तूने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर और उसके बलिदान की योग्यता से रोगियों के पाप क्षमा कर एवं उन्हें चंगाई दे। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। हमें छुड़ाने हमें बचाने, हमें छुड़ाने हमें बचाने। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है।